वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम आपका मुरब्बा बनाएंगे, जिसके लिए हमने 4 आम ले लिए हैं, शुगर 7-8 इलायची। आम को छील करके पहले तैयार करेंगे। सारे आम छील करके तैयार हो गए हैं, अब इनको कट कर लेंगे। सारे आमों को हमने ये पतले पतले पीसेस में कट कर लिए हैं, और आप अपने चाहे तो अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, छोटे बड़े। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पैन रख लिया है और गैस को ऑन कर देंगे, और पैन को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। हम इसमें डालेंगे आम जो हमने कट करके रखे हैं, धो करके और अच्छे से काट लिया था, और इसे थोड़ी देर चलाएंगे। बिल्कुल गैस को थोड़ा सा मंदी कर देंगे और चला देंगे इसको। इसको चलाते हुए हमारे बिल्कुल 2 मिनट हो गए हैं, और इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसे मेल्ट होने तक बिल्कुल चलाते रहेंगे। जब तक शुगर पूरी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक चलाएंगे। देखिए शुगर हमारी मेल्ट हो गई है, थोड़ा और बची है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए 2 चम्मच पानी है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर रहे हैं, 2 ही चम्मच कर रहे हैं। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे। गैस को मंदी कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे। हमने 2 बार खोल करके चेक कर चुके हैं, एक बार और चेक करेंगे, और गैस को थोड़ा तेज कर दिए हैं ताकि अच्छे से उबाल आ जाए इसमें। ये देखिए पूरी शुगर भी अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें। गैस को मंदी कर देंगे और एक इसको लेकर के चेक कर देंगे एक चीज को कि अच्छे से पक गया है कि नहीं। कटोरी भी लेंगे और इसे चम्मच से देखिए ये पक गया है, बिल्कुल ज़्यादा पक जाएगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और चाशनी भी अच्छी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर तो जरूरी होता है मुरब्बे में, नहीं तो इलायची पाउडर तो अगर स्वाद नहीं आता तो मुरब्बा अच्छा नहीं बनता है। ये देखिए इलायची पाउडर डालने के बाद इसे 1 मिनट इसी तरह से खोल करके चलाना है, गैस को तेज फ्लेम में ही रखना है। चलिए ये हमारा एकदम पक गया, ये देखिए चाशनी भी गाढ़ी हो गई है, ठंडी होने के बाद चाशनी और गाढ़ी होगी। चलते हैं प्लेटिंग की तरफ।